तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? तो सर आपका मैंने सबसे पहले ई जी टेक पूरा समझा, ए टू जेड, और उसके बाद यूफाई समझा, और ई जी टेक में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और यूफाई में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें आईसी बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और ए टू जेड जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो दौरान होता है वो हमने सीखा हाँ, यहाँ पर। बिल्कुल सीखा यहाँ पर सिंपल, ये तो नॉर्मल सर, हम पहले दिन से कर लिए थे, ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग आईसी रिवॉल्विंग करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि एएमसी में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशिया टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो एएमसी में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, एमसीयू को ब्लैक पेस्ट और व्हाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था, तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन वो बने। आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, आपने यूएमसी भी यहाँ से किया, ईएमसी यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि एएमसी का नॉलेज पहले नहीं था, आपने हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए, इसलिए मतलब एएमसी में अब टॉप बन गए। अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो 9 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, यूएफआई पार्टीशन आया था, पार्टीशन सब हो गया, मतलब यूएफआई का काम या जेटेक का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और आईसी रिबोलिंग तो हमने पहले से पहले थे, और हमने अपने आपको मजबूत किया होगा, और प्लस हमने प्रो उसके साथ आईसी पेस्टेड आईसी निकाला, माइक्रो जंपरिंग। तो मैं 4-5 साल से काम कर रहा था, लेकिन मुझे हार्डवेयर में ड्रेसिंग का नॉलेज नहीं था, परेशानी होती थी कंपोनेंट ढूंढने में, कैसे ट्रिगर हिट माइक। अब मुझे, मैं हार्डवेयर बहुत पक्का हो चुका हूँ, हार्डवेयर में बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि एएमसी भी कर लेते हैं, उसमें भी माही हो जाए, परफेक्ट हो जाए, जो भी काम करे परफेक्टली सेक्शन बाई सेक्शन करे। तो जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ कर रहे थे, तब आपने ईएमसी का भी आउटपुट लिया होगा कि यहाँ पे ईएमसी कैसा सिखाया जा रहा है, तब आपको कैसा मिला है? बहुत अच्छा लगा सर, मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि हमारे मिलन सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो इनका सिखाने का टॉपिक है बहुत अच्छा है, बताते हैं सर दिमाग में बैठ जाता है, खुश जाता है, और हम लोग शाम को जाकर रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों को ये भी जो भी बताते हैं वो करके भी दिखाते हैं। प्रोग्रामिंग आईसी पेस्टेड प्रोग्रामिंग हो, आईसी पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, हम सब निकाल लेंगे, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि 1-2 साल से तुम मोबाइल रखे हुए, उसका क्या यूफोरिया, प्लेस नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग लोगों में था। हाँ, मुझे 2 साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा, और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया सर, मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने ब्लेस किया। अच्छा, आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया, और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा, प्रोग्रामिंग किया, फिर उसे रिबॉलिंग किया, रिबॉलिंग करके किससे किया? यूएफआई से, जेटेक से, जेटेक से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई, आप कौन सा बॉक्स लेंगे, यूएफआई की जेटेक? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैंने यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किया, मैंने बहुत कुछ जाना यहाँ पर, सीरीज पैटर्न वगैरह, और ड्रेसिंग मुझे पहले नहीं आता था, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा करता था आपकी वीडियो पर, फिर मैंने आपकी बुक ली, बुक लेने के बाद मैंने जब पढ़ा उस बुक को, और मुझे समझ में आने लगा कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये वो, तो मैं आउटपुट देखता था, तो मैं सोचता था कि एक बार जाऊँगा, जाने के बाद अब मुझे लगता है मुझे कम्प्लीट नॉलेज हो चुका है, अब मैं फुल कॉन्फिडेंस से काम कर सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कि दुनिया में 100% कंप्लीट नॉलेज तो किसी को भी नहीं है ना, ये बात तो समझ में। तो आप ये मान के चलो कि सर मुझे अब जितना भी काम करना है परफेक्ट करने की कोशिश करना है, और आप 17 साल में बहुत बड़ी बात कह गए। सर बताऊं, मैं आपकी उम्र में होता ना तो आज दुनिया को चीर फाड़ देता, मैं यही सोच रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। 17 एक बार इनके लिए सब लोग ताली बजा, क्योंकि आप लोग सब देखे तो सबसे छोटे अंदर से यही है। अब देख सकते हैं एमआई रुका हुआ है, अब देखते हैं नीचे एंड्रॉइड लोग आते हैं, देख सकते हैं नीचे एंड्रॉइड 3 डॉट आ चुका है, इसका मतलब चालू हो चुका है। अगर मैं दूसरे एएमसी लगाता हूँ ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता था कि रीस्टार्ट होता था, या ऐसा होता था कि हमारा क्या है कि पासवर्ड आ जाता था, तो अब जब ये फास्टिंग कर रहे थे तो फिर से क्या होता है, डेड हो जाता है,
तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है UFI बॉक्स के साथ, अगर एक क्लास फाइल के साथ जो क्लास फाइल में लेता हूँ, और उस ट्रिक है उस ट्रिक के साथ हम MI की जो है सारे मोबाइलों की हम क्लास फाइल क्या करते हैं MMC कर सकते हैं। तब 3 डॉट पे आकर रुका हुआ है, हम देखते हैं। तो ये जो इमेंस लगा है हमारे स्टूडेंट, हमने नहीं लगाया, हमने सिर्फ ऑन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और इसका दोस्तों आप सच बताए तो इसका CPU भी खोल के हम रिवॉल्व करके लगा चुके हैं हमने, ठीक है। सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपकी वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का 1-1 दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ की आपको मैं एक आईफोन दे दूँ और आईफोन में BSI ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं, मेन जो कॉम्पोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम दूसरे कॉम्पोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कॉम्पोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें, PB पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का PB सप्लाई, आईफोन का PB अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सब लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे CPU लगा के चालू किया है? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में CPU लगा। रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कॉम्पोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं। तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा सर? वो 2 लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा। वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल, हाँ सर चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? नौवा दिन चल रहा है हमारी क्लास, ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे हम जो आपको आउटपुट देंगे वो उन बच्चों का देंगे जो ऑलरेडी पूरी EMC अटेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज आप क्या बताने वाले? वैसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हम एक बात करेंगे कि अब हमारे पास एक MI का नोट 4 है, अब देख सकते हैं ये MI का नोट 4, मैं माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ, MI का नोट 4 है। इसमें जो MMC है ना सर, तो इसमें MMC डेड है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें MMC का वर्जन आ जाता है, EXT 65 का वर्जन आ जाता है 1.8। जब 1.8 आ जाता है ना सर, तो उसमें क्या होता है कि हार्डवेयर ID का मसला आ जाता है, तो हार्डवेयर ID इसमें 1.8 का MMC होता है और हम इसको चेंज करेंगे, हार्डवेयर ID इस्तेमाल करके हम इसको चेंज करके दिखाएंगे कि कैसे चेंज होता है MMC। मतलब हम हार्डवेयर ID के जो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि ज्यादातर क्या होता है अगर भी MMC चेंज करें तो मैं CPU भी स्वैप करना पड़ता है। तो अभी यहाँ विदाउट CPU स्वैप EMC को चेंज करके और उसके प्रोग्राम आपको सिखा रहे हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट करेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा आउटपुट ले लें अपने स्टूडेंट की, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। तो आपका नाम क्या है? विक्की जी। विक्की, आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, आपने EMC भी यहाँ से किया, EMC यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि हार्डवेयर का नॉलेज पहले नहीं था, अगर हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए या इसलिए मतलब EMC में अब टॉप बन जाए। अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो 9 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, प्रोग्रामिंग UFI पार्टीशन आया, फायर पार्टीशन सब हो गया, मतलब UFI का काम या JTAG का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर। और IC रिबोलिंग तो हमने पहले से पढ़े और हमने अपने आप को मजबूत किया होगा, और प्लस हमने उसके साथ IC पेस्टेड IC निकालना, माइक्रो जंपरिंग। कैसा रहा मिलन सर का, आपकी MC का कैसा रहा? सर हमारा पहले सोचता कि हम डरते थे काम करने, आज ऐसे हम कोई भी एंटिटी को बनाने का
तैयार रहेंगे आप। हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे एक बात कि सर अभी तक 50 मोबाइल बना लेते थे। हाँ। आज क्योंकि तुम्हारे ज्यादातर बाहर के भी खावा है। हाँ। तो अभी तो 100 बना लेंगे आप, 100 बनाने की 100 बना लेंगे टेक्निक लेंगे। और आपने यहाँ पे टूल्स वूल्स भी परचेज यहाँ पे करोगे जाकर वहाँ पर, आपने टूल्स की लिस्ट बनाई, कितने रुपए के आपके टूल्स की? मेरा टूल 1,40,000 के आसपास चले। 1,40,000 के टूल्स से, टूल्स ईएमसी का ईएमसी बिल्कुल सब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता है पूरा। अभी जो लेटेस्ट काम है शॉप में तो ऑलरेडी है मेरा। अच्छा, मेरा बजट पहले तो 40,000 का टूल है। अच्छा, लेकिन वो छोड़ के पूरा लेटेस्ट काम है। बढ़िया है। तो यहाँ पे बात आने का स्टूडेंट आपका नाम क्या है? सेरू पटेल। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, फिर आपको क्यों लगा कि यहाँ से एमसी भी करना चाहिए? तो मैं 4-5 साल से काम कर रहा था, लेकिन मुझे हार्डवेयर में ड्रेसिंग का नॉलेज नहीं था। परेशानी होती थी कंपोनेंट ढूंढने में, कैसे ट्रिगर हिट माइक। अब मुझे, मैं हार्डवेयर में बहुत पक्का हो चुका हूँ। हार्डवेयर में बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि एमसी भी कर लेते हैं, उसमें भी माहिर हो जाए, परफेक्ट हो जाए, जो भी काम करे परफेक्टली सेक्शन बाई सेक्शन करे। तो जब आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ कर रहे थे, तब आपने ईएमसी का भी आउटपुट लिया होगा कि यहाँ पे ईएमसी कैसा सिखाया जा रहा है, तब आपको कैसा मिला है? बहुत अच्छा लगा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मिलन सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। जो इनका सिखाने का टॉपिक है बहुत अच्छा है, बताते हैं सर दिमाग में बैठ जाता है, खुश जाता है, और हम लोग शाम को जाकर रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों को भैया में जो भी बताते हैं वो करके भी हम सब निकाल लेंगे, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं सच बताओ यहाँ पर कि आपको यहाँ जो सिखाया जा रहा है, अच्छा मिलन यहाँ पे मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ है कि यूएफओ से छूट रहा है जो दुनिया में जो बाकी लोग जानते हैं, जो हम लोग नहीं जानते, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ये चीज फाइलों का ख्याल खेल है, और फाइलों का पूरा फाइलों का ज्ञान है आपके पास? बिल्कुल, पूरी कोडिंग अगर बात करें, कोई भी मोबाइल फोन को प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई भी मोबाइल को। ऐसा तो नहीं आपको बताया कि सिर्फ 3 मोबाइल बता दिए या 5 मोबाइल का प्रोग्राम बताया? ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा सीपीयू आ गया तो आपको पता ही नहीं है उसका क्या करना है? हम कर सकते हैं, हम तो ऐसे कर सकते हैं, किसी फाइल को तोड़कर बिल्कुल फ्लैश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आजा, क्या नाम है आपका? मैं अभय सिंह, राजस्थान से। अभय सिंह बैठे हो यहाँ पर, आप ये बताओ कि यहाँ पर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अटेंड किया, फिर ईएमसी अटेंड किया, तो ईएमसी हार्डवेयर की बात करने का क्या रीजन था, और यहाँ पर क्यों कि यहीं पर आपने सोचा? आपने ये नहीं सोचा आप किसी और के पास जाकर देखोगा, यहीं पर क्यों किया? सर मैंने पिछले स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू किया, इसलिए मैंने सोचा कि एमएमसी एनसी को ऑडियो सॉफ्टवेयर किया तो मैं एमएमसी भी एनसी करके जाऊं। और ईएमसी में आज 9वां दिन है। यस। और थ्रू आउट जो मिलन सर की क्लास रही है यहाँ पे, आपने प्रैक्टिकली जो भी किया है, तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? सर मैंने सबसे पहले इजीटेक पूरा समझा, यूजेट, और उसके बाद यूफाई समझा, और इजीटेक में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और यूफाई में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें आईसी बेस्टेड निकालना, ब्लैक बेस्टेड, नॉर्मल बेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और ए टू जेड जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो दौरान होता है वो हमने सीखा है। बिल्कुल ये तो नॉर्मल सर, हम पहले दिन से कर लिए थे, ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, हार्डवेयर के लिए भी कर लिया था। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट है, आप बैठे यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन यादव है सर, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। तो रोशन आप ये बताओ कि आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे किया, कैसा लगा, और फिर आपने ये फिर क्यों किया यहाँ? सर मैं सोचा रहा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो कर ही लिया, और फिर जाने के बाद अगर एमएमसी करके फुल कॉन्फिडेंस साथ बैठूंगा सारे काम होंगे, क्योंकि फिर बाद में कहीं ना कहीं डेड मोबाइल बनाने में दिक्कत चाहिए, फंसने वाला बात। जैसे आपने यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल देखा होगा डेड में, कितना सारे डेड ईएमसी के चक्कर में होते हैं, तो फिर आपको कैसा लगा यहाँ पे? तो अनुभव तो ऐसा लगा, मिलन सर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं सर, वो अपना खाना तक छोड़ देते हैं और हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं सर। एमएमसी से अच्छा काम मिलन सर से अच्छा कोई सिखाई नहीं था। और मैं आपसे एमएमसी किंग है, मिलन एमएमसी किंग है, आपसे बोलूँ कि ऐसा कुछ यूएफआई में छूट रहा है जो दुनिया लोग जानती है, जो हम नहीं जानते? जो हम जानते हैं वो दुनिया नहीं जानती है, ऐसा कहीं ये है, जो हम जानते हैं वो दुनिया नहीं जानती है। जो मिलन सर हमें बता दिए कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। मैं सच बताऊं दोस्तों, सारे इंस्टीट्यूट सर हमारे लिए बहुत मेहनत। हाँ मैं सच बताऊं दोस्तों, ये बहुत बड़ी, ये बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए जिंदगी में, सारे लोग ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिलन सारे लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब लोगों अपने अंदर किंग है,
हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, ना ही हम अपने आपको बहुत अच्छा कहेंगे। हम बस इतना कहेंगे कि अगर हमारा स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है तो मतलब वो हम उसको फुल नॉलेज देकर जा रहे हैं, तो ये बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारे अंदर डर थी ना, उसको मिलन सर ने भगा दिया, निकालो फेंको। सही बात है। अच्छा यहाँ पे दो चीज मैं पूछा करते, आपने जीते को यूएफए में अंदर देखा होगा तो कई बार क्या होता है, आपने देखा कि कई बार है ना जो चीजें यूएफए लेता है नहीं है वो जीते ले लेता है। आपने देखा होगा जेटेक की आज की कम्युनिटी यूएफआई से सबसे ज्यादा बड़ी है, तो अभी ये कहना भी बेकार है कि दुनिया में जेटेक यूएफआई बिक रहा है, जेटेक सबसे ज्यादा बिक रहा है। क्या ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर इमाम, इमाम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, फिर आपने एएमसी यहाँ से क्यों सोचा? पूरा होने के बाद आपको ये भी लग सकता था यार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही ऐसा पढ़ा है बेकार, तो हम क्या एएमसी करें यार ऐसा है, या एएमसी के स्टूडेंट का भी आपने नोटिस लिया होगा रिव्यू, तो आपने उसके बाद भी फिर बैठे, क्या आपने एक्चुअल रिव्यू आपका क्या था? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं दुकान पे काम कर रहा था तो कोई भी फोन आता था, मैं सबसे पहले सर के देखते थे, सर समझ में नहीं आता था कुछ, क्या करूँ इसमें, आगे क्या प्रोसेस होगा इसका। तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को सर्च किया, देखा तो मैं कहीं भी अच्छा नहीं लगा मुझे। अब यहाँ से आपका रिव्यू देखा, मैं आपका और स्टूडेंट का रिव्यू देखा, तो सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि खुद आप पढ़ाते हैं, अपना मैसेज भी किया था सर यूट्यूब पे, तो इसी वजह से हम यहाँ आए। जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किए तो हम तो ट्रेसिंग से और जंपरिंग कहाँ से कहाँ लगाना है, कौन सी ऐसी कहाँ लगती है, कैसे लगेगी, सारे कंफ्यूजन दूर हो गया, सारे कंफ्यूजन दूर हो गई। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारे सिर्फ आईसी से ही से कंपोनेंट से डेड नहीं होता है, ये फोन आधे 50% आईसी से डेड होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में लोग गलत सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं बैठ जाते हैं और वो पूरा मोबाइल को जीरो कर देते हैं। तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फिर कंपोनेंट से नॉलेज नहीं होगा, फिर इनसे करना बहुत जरूरी है। जैसे आज यहाँ तुमने बताया कि एक दो साल से तो मोबाइल रखे हुए हैं, उसका क्या यूफोरिया प्लस नहीं हो पा रहा था, वो हैंगिंग लोगों में था। हाँ। मुझे दो साल से रखे हुए थे, मैं सोचा कि वहीं जाके इसको सही करूंगा, और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया सर, मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया, अच्छा प्रोग्रामिंग किया, फिर उसे रिबॉलिंग किया, रिबॉल करके किससे किया, यूएफआई से, जेटेक से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई आप कौन सा बॉक्स लेंगे, यूएफआई की जेटेक? सर मेरे लिए तो दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है आपके लिए, और मतलब दोनों में अच्छा काम हो रहा है आपके, तो दोनों ही काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, कर सकते हैं। ये तो नहीं कि सिर्फ यूएफआई सिखा दिया और जेटेक थोड़ा बहुत सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छे, मैं आपको बताऊंगा, बहुत टैलेंटेड है और इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट भी डाले हैं, और जितना मैंने इनको बताया ना आईसी ट्रेसिंग का, इन्होंने जरूरत से बढ़कर चीज की है और बहुत मेहनती है, और सच बता ऐसे लोग बहुत आगे जाएंगे, तो वेरी गुड, वेल डन। अब हमारे साथ स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन है, बिहार से। चंदन आप कहाँ, बिहार से? आपने हार्डवेयर, फिर वही सारे सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद क्यों चुना हमको एएमसी में? मैं एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मैं यहाँ पे आई और बहुत बढ़िया से एक्सपर्ट बनूं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले दिन ही पैसा दे दिया पूरा, तो अभी करनी पड़ेगा ना? हम लोग यहाँ पहले आए तो हम लोग को दो दिन का डेमो क्लास मिला, और इसके बाद डेमो क्लास देने के बाद हम लोग को अच्छा लगा, और हर एक चीज हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग आईसी रिवॉल्विंग करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि एएमसी में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशिया टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो एएमसी में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, एमसीबी को ब्लैक पेस्ट और व्हाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था, तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन वो मैंने पहले दिन ही बना दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? अरुण पाल। ईएमसी में अगर हम बात करें, मिलन सर ने कैसा पढ़ाया और आपने ईएमसी में यहाँ पे क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा बताइए। ईएमसी में सर हमने आईसी निकालना, उसकी रिकॉर्डिंग करना और उसकी प्रोग्रामिंग करना,
हमने सब अच्छी तरह सीखा सर। और हार्डवेयर का भी कोर्स किया आपने? जी सर, हार्डवेयर हार्डवेयर का नॉलेज है कि नहीं आपको? ड्रेसिंग का कैसे कर सकते हैं? तो अभी क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि आप थोड़ा कस्टमर का मोबाइल ले सकते हैं? सर बहुत है सर, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। और अगर आप सवाल करेंगे मेरे से कि आपने ईएमसी क्यों किया, तो सर दरअसल मैं जानता ही नहीं था ईएमसी क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं टेक्नीशियन, कंप्लीट टेक्नीशियन बनूं, आधा अधूरा नहीं सर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करके सिर्फ आप सोच रहे थे कि एक बार मैं जाऊँ सीख कर आ जाऊँ और फिर बार बार नहीं जाऊँ? जी सर। तो आपने आप फ्रेशर हो कुछ सर? सर मुझे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ आने से पहले मोबाइल भी नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एज अ फ्रेशर आपने यहाँ पर इतना सारा चीजें किया और ड्रेसिंग किया, ईएमसी किया यहाँ पर, तो बहुत बड़ी बात है। और आपको तो बहुत मेहनत आगे करनी है आपको। जी मैं मेहनत करूंगा सर आगे, और अभी थोड़ा सा ये लोग दो चार साल से काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ रह के मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इन लोगों के साथ दो चार साल से काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये टेक्नीशियन का एक अनुभव हो जाता है। अच्छा, ज्ञान अनुभव होता है। अगर मेरे को कितना ज्ञान होगा तो ये एक्चुअली मेरा अनुभव हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया किसी ने कहा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आप ही बताओ कितने साल के? मैं सर 17 साल के हो। मेरे से दो दिन किसी ने इधर पूछा था सर मैं 19 साल का हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ क्या? सो मैं आपको बता दूं आप आ सकते हो, क्योंकि ये 17 साल के हैं। 17 साल में यार क्या आपने दिमाग में आई कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग में जाऊं? और मोबाइल रिपेयरिंग में 17 साल में, मैंने तो यार 17 साल में मैं ये सोचता था कि चूरन कहाँ मिल जाए, चूरन चूरन पतंग उड़ाने वाले को ढूंढता था, आप ईएमसी को ढूंढ ली, कैसे मतलब इतनी दूर आप आए, कहाँ रहते हो वैसे बताओ? सर मैं यूपी में, क्या बोलूं, इतनी दूर से अपने घर को छोड़ के 17 साल में, यार हम तो कभी नहीं जा सकते थे, हम सच होता है, हम तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाती है अगर हम 17 साल में सब कम होते। तो कैसा आपने, क्या आप कर? सर मैंने यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किया, मैंने बहुत कुछ जाना है यहाँ पर, सीरीज पैटर्न वगैरह, और ड्रेसिंग मुझे पहले नहीं आता था, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा करता था आपकी वीडियो पर, फिर मैंने आपकी बुक ली, बुक लेने के बाद मैंने जब पढ़ा बुक को और मुझे समझ में आने लगा कंपोनेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है ये वो, तो मैं आउटपुट देखता था, तो मैं सोचता था कि एक बार जाऊँगा। जाने के बाद अब मुझे लगता है मुझे कंप्लीट नॉलेज हो चुका है, अब मैं फुल कॉन्फिडेंस से काम कर सकता हूँ। मैं सच बताऊँ कि दुनिया में 100% कंप्लीट नॉलेज तो किसी को भी नहीं है, है ना, ये बात तो समझ में। तो आप ये मान के चलो कि सर मुझे अब जितना भी काम करना है परफेक्ट करने की कोशिश करना है, और आप 17 साल में बहुत बड़ी बात कह गए। सर बताओ मैं आपकी उम्र में होता ना तो आज दुनिया को चीर फाड़ देता, मैं यही सोच रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, एक बार इनके लिए सबको ताली बजाओ। आप लोग सब देखे तो सबसे छोटे अंदर से यही है, 17 साल में आप लोग घर से निकल पाते क्या? सच बताओ, कितने सारे घर में मम्मी नहीं निकलने देती, बेटा कहाँ जाओगे इतनी दूर। तो थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, ये हमारे, क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा नाम है। दिल्ली से, दिल्ली में ही क्यों नहीं गए यार? दिल्ली में इतना बड़ा दिल्ली वेस्ट साउथ, और फिर बाद में आप यहाँ जबलपुर में आ गए कैसे? सर मैंने आपकी वीडियो देखा था, उसमें जो लोग लड़के जो यहाँ सीखने आते थे उनका जो आउटपुट होता था, बोलने का तरीका और उनका थोड़ा मन देखता था सर में कि ये कैसे बोल रहे हैं, मैं ये सोचा था कि इनसे कोई बुलवा रहा है, तो मैं वो देखे आया। जब मैं हार्डवेयर सर मैंने किया था सर 2-3 दिन, कंपोनेंट का नॉलेज और वो ट्रेसिंग, तभी मैं समझ गया कि सर यहाँ पे बढ़िया है। अच्छा, और मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मुझे सर थोड़ा बहुत आता था, तो मुझे थोड़ा नहीं, जब मैंने ईएमसी किया सर तो मुझे लगा कि सर हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर करना है परफेक्ट बनना है तो सर ईएमसी करना पड़ेगा। तो आपने इसलिए ईएमसी को ज्वाइन किया, फिर कैसा रहा 9 दिन का सफर मिलन सर का? सर ईएमसी में सर जो मिलन सर ने पढ़ाया ना सर, मैं पहले आईसी सर सुन के ना सर डर लगता था मुझे, लेकिन अब मैं सर चाहे पेस्टेड हो चाहे पावर आईसी चाहे कितने भी कंपोनेंट लगे सर वहाँ पे, मैं आराम से सर निकाल के बैठे। तो पेस्टेड आईसी को हम ये सोचते थे कि कई कंपोनेंट ही ना निकालते, आईसी का दूर की बात है। मैंने सर यहाँ 3-4 दिन में इतनी ऐसे मतलब सर ने मुझे बताया कि चाहे कितने भी कंपोनेंट हो उसके ऊपर चाहे अगल बगल में आराम से उतार के सर और उसे लगा दे। तो आपको मतलब जो दिल्ली से यहाँ आए, इतनी दूर से आप आए, तो अनुभव और एक्सपीरियंस जो मिला वो सेटिस्फाई हो कि नहीं? सब मिल गया। और दोस्तों मैं सच बताऊँ, कल ये वीडियो हमारा जो आ चुका होगा मे बी, और इससे पहले हमारी ये फेयरवेल क्लास भी शायद आपने देख ली होगी, क्योंकि कब डालेंगे वीडियो ये हम पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते काम पर। ठीक है सर, हमने यहाँ पे हमने ईएमसी को करके हम जो है इसमें प्रोग्रामिंग कर लिए और सर फैक्ट्री रेस कर लिए हैं। अब एक बार इसको नैन टेस्ट कर लेते हैं, हम नैन टेस्ट करके चेक करेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। Thank you.
हमने यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग कर लिए है, हम सिर्फ इसको लगाएंगे कहाँ, मोबाइल में लगाएंगे और मोबाइल के यूएसबी के थ्रू फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्लैशिंग करने के लिए हम अब यूएसबी को खोलो, एमएमसी को खोलो, अब आ जाओ लगाओ यहाँ। आप पहले सेटिंग कर लो, आप पहले सेटिंग कर लो, मैं कैमरा सेटिंग कर लूँ। थोड़ा जूम आउट कीजिए थोड़ा। अब यहाँ से सेटिंग कीजिए, आप कीजिए ना। ओके तो हमारे स्टूडेंट एम एम से लगा रहे हैं, हम देखते हैं। उसको सही करना, पॉज कर ले क्या सर? यहाँ पे देखा तो रीडिंग वोल्टेज आ रहा है लगा के वोल्टेज चलो बैठ जाए। ऑन करो, चालू करो, तो एंड्रॉइड टूल चालू करना। ठीक है, एंड्रॉइड टूल चालू करके चालू हो गया। तो हम यहाँ पे चालू करते हैं एंड्रॉइड टूल। हमने एमएम से लगा चुका है ये वाला स्टिक लगाओ और यूएसबी केबल लगाओ। टाइगर फिश की ये अपन जैसा कि आपका फ्रीजर है, फ्रीजर पे जंपर मारना है, स्टील पे जितना भी स्टील हो स्टील जंपर, ये डाल के आप आयरन लगाओ चिपक जाए। एल्युमिनियम जंपर मारना है, पोर्ट बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं पोर्ट बन गया है, हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे क्या, ब्रांड। अब यहाँ पे मॉडल नंबर, चाहे वो एनी कॉम्प्लेंट लगे, लेकिन वो दो ही सेक्शन में, दो ही
सीरीज है वो 21 किलो हो गया अब यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग हो रहा है जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोट फोर जो हमने एमएम से चेंज किए हैं, ठीक है, तो फ्लैशिंग करके हम इसको चालू करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, तो सर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है नोट फोर की, हम आप जिसमें हम चालू करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए इसका बैटरी नहीं है तो हम डीसी से चालू कर रहे हैं, अब पावर की को शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी आप सबसे पहले अभी हम बात करते हैं केवल लीगल स्पीकर की बात करते हैं, आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आया तभी तो आएगा ना आपके पास, आएगा बुला के सब देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो है फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे मोबाइल को चालू करते हैं, जो हमारे पास बैटरी नहीं है इस तरह का एक डीसी से हम चालू करते हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे चालू करते हैं इसको, ठीक है। अब देख सकते हैं एमआई रुका हुआ है, अब देखते हैं नीचे एंड्रॉइड लोगो आते हैं, देख सकते हैं नीचे एंड्रॉइड 3.0 आ चुका है, इसका मतलब चालू हो चुका है। अगर मैं दूसरे इवेंट से लगाता हूँ ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता था कि रीस्टार्ट होता था, या ऐसा होता था कि हमारा जो है कि पासवर्ड आ जाता था, तो हम जब ये फ्लैशिंग कर रहे थे तो इससे क्या होता है डेड हो जाता है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है यूएफआई बॉक्स के साथ, और एक फ्लैशवाइड के साथ जो फ्लैशवाइड में लेता हूँ, और कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के साथ हम एमआई की जो है सारे मोबाइलों की हम प्लस फाइव क्या करते हैं ईएमसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तब 3.0 पे आके रुका हुआ है, हम देखते हैं तो ये जो ईएमसी लगा है हमारे स्टूडेंट हमने नहीं लगाया, हमने सिर्फ ऑन करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और इसका दोस्तों आप सच बताएं तो इसका सीपीयू भी खोल के हम रिवॉल्व करके लगा चुके हैं हमने, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है एंड्रॉइड में है, मैं आप जानते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा मोबाइल लाइट चालू हो चुका है MIUI 8 में, ठीक है। तो हमें दोस्तों ये टच का आप देख सकते हैं टच का पत्ता नहीं लगा है, ठीक है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ टच का पत्ता लगा के चालू करके, पूरा कम्प्लीटली चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको उसको पूरा आगे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा। तो एक बार अभी के लिए अभी ने इन्होंने अभी इसका आईसी निकाल के लगाया है, देख सकते हैं आप सारा सेट ऑन हो चुका है। तो दोस्तों हमारा ईएमसी का हर महीने 5 तारीख और 15 तारीख को बैच लगता है, आप आ सकते हैं। इसके लिए आप एसएमएस कर सकते हैं, हमारे नीचे से नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक आप कोई भी कॉल कर सकते हैं, और एडमिशन के लिए आप एसएमएस कीजिए, और एसएमएस के बाद आपको बैच कॉल आ जाएगा, आप पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। वो जो जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखे तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है। यहाँ मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो वाट पेंटिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस लग जाए शॉप से, ऐसी तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पे मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो YouTube में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.